हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका जय जयपुर टेक की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हमने मंगवा ली है रियलमी बड्स Q2 रियलमी की ऑफिशियल वेबसाइट से, और यहाँ पे आपके भाई ने यूज़ कर लिए हैं ये और काफ़ी अच्छे से यूज़ करके देख लिए हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहेगा इसका और क्या आपको ये लेने चाहिए 2500 रुपये में या नहीं। और इसमें कहा जा रहा है कि ANC टेक्नोलॉजी दी गई है, तो उसका सच भी बता दूँ आपको कि किस हद तक वो नॉइस कैंसिलेशन कर देती है और सारी चीज़ें बात करने वाला है। गेमिंग के लिए कैसे है, लो लेटेंसी वगैरह सब कुछ है इसमें। इस वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखना, आपके लिए सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इन वाले बड्स के बारे में। सो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो शुरू कर देते हैं। सो गाइज, ये है हमारा बॉक्स रियलमी बड्स Q2 का, जो कि हमने realme.com से मंगवाया है। अब इसका मुझे आर पास वगैरह मिल गया था, तो उस वजह हमें जल्दी मिल गया ये। और ये कुछ इस तरह से बॉक्स है इसका, और काफ़ी बढ़िया तरीके से पैकेजिंग है। छोटा सा बॉक्स है और यहाँ पे कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स वगैरह मेंशन है। बाकी दोस्तों ये चाइना दिखाई रखा है कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो वो तो चाइना की है इसकी। लेकिन यहाँ पे हम एक बार बॉक्स को ओपन करके दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाते हैं। सबसे पहले अलग अलग लिखे हुए हैं बड्स और बॉक्स केस जो है वो भी। तो उसके अंदर बॉक्स के अंदर आपको एक USB टाइप सी केबल मिल जाती है येलो कलर में, और डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिल जाते हैं, जो कि आते हैं दो साइज़ में। सो एक आपको उसमें ऑलरेडी लगा हुआ मिल जाता है। तो ये कुछ बॉक्स कंटेंट्स है। अब दोस्तों बात करें अगर पेयरिंग की, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इनको जब निकाला बॉक्स से, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशन आ गई और वहाँ से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं इन्हें, और डायरेक्ट कनेक्शन हो चुका है जैसे मेरा, और 90% बैटरी शो कर रही है इन दोनों में। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी है, ऊपर से इरीटेटिंग भी है, क्योंकि ये बार बार में सभी फ़ोन्स में आपके प्रॉम्प्ट करता रहेगा वो। और सो अब बात करें अगर बिल्ड क्वालिटी वगैरह की, तो बड्स जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये जो है स्मूथ टेक्सचर्ड है ये वाला एरिया, और ये ऊपर की तरफ प्लास्टिक है पूरा, लेकिन ये ग्लास ग्लॉसी सी लुक आती है और काफ़ी मतलब सही सा लगता है, टच एरिया है वो। और ये है हमारा बड जो सिलिकन टाइप के मटेरियल से बना हुआ है। माइक्रोफोन भी यहाँ पर मिल जाता है, तो ये कुछ इस तरह से क्वालिटी है, काफ़ी सही लग रहे हैं मतलब देखने में, और हैंड फील भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, और पहनने में भी थोड़ा प्रीमियम फील भी होते हैं ये वाले। और दोस्तों जो केस है वो कुछ इस तरह से है, इसका जो फ्लैप है काफ़ी सही है दोस्तों, मतलब मैग्नेट भी अच्छा है और काफ़ी अच्छे से स्टिक हो जाता है, अपने आप ओपन भी नहीं होता है। मतलब कुछ होते हैं ना कि उनका मैग्नेट अच्छा नहीं होता, लेकिन इसमें ऐसा सीन नहीं है। और जो ईयरबड्स है ये भी काफ़ी सही तरीके से फिट हो जाते हैं इसके बॉक्स में, तो यहाँ पर भी कोई मेरे को दिक्कत नहीं लगी, अच्छे से मैग्नेट से अच्छे से अटैच हो जाते हैं। और LED इंडिकेटर भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, और ऊपर की तरफ रियलमी ब्रांडिंग मेंशन तो है यहाँ पे। पेयरिंग बटन भी अंदर दिया गया है, और ये जो है ईयरबड्स है ये निकलते भी नहीं है इससे, तो इनका ही मैग्नेट अच्छा है। तो इस तरह से दोस्तों इनकी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है आपको कुछ, और पीछे की तरफ आपको एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है इसको चार्ज करने के लिए। सो इस तरह से है कुछ ये बॉक्स और बढ़िया ईयरफोन्स। अब दोस्तों बताऊँ रियलमी लिंक ऐप से आपको कनेक्ट करके इन वाले ईयरफोन्स को, तो यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो आपको साइन इन वगैरह करना पड़ेगा। मैंने बेसिकली कर लिया साइन इन वगैरह, तो आप कर लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे शो कर रहा है ऊपर जैसे मेरे रियलमी बड्स क्यू, और पहले आपको ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद ऊपर आपको शो कर रहे हैं मेरे वाले जो बड्स है बड्स क्यू 2, तो ये इस पर क्लिक करके हम डायरेक्ट कनेक्ट पे क्लिक करें तो कनेक्ट हो जाएंगे। और बैटरी लेवल दिखा रहा है तीनों चीज़ों का, केस का अलग दिखा रहा है और जो बड्स हैं उन दोनों का अलग दिखा रहा है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। नीचे फीचर्स मिल रहे हैं नॉइस कैंसिलेशन वाले, बार में तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी, नॉइस कैंसिलेशन और नॉर्मल मोड। अपने आप से स्विच कर सकते हैं आप इन तीनों में से। और उसके बाद आपको साउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं बेस बूस्ट प्लस डायनमिक और ब्राइट के नाम से। सो इनके बारे में बाद में बताऊँगा मैं आपको, जब साउंड के बारे में बताऊँगा आपको वीडियो में। उसके बाद वॉल्यूम एनहेंसर भी मिल जाता है आपको थोड़ा ऑडियो को बढ़िया तरीके से करने के लिए। गेम मोड आपको इसमें मिल जाता है एक अलग से, और यहाँ पे दोस्तों इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं बर्ड के थ्रू भी। और ऑटो आंसर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जब आप बर्ड को निकालेंगे इसके केस से तो ऑटोमेटिक कॉल आंसर हो जाएगी और आप डायरेक्टली बात कर पाएंगे फ़ोन पर, तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद ये वाले ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हो और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। दोस्तों सारे कंट्रोल्स जो टच कंट्रोल्स इसमें दिए गए हैं, तो वो अपने हिसाब से आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। मैंने सब कुछ सेटअप कर लिया इसमें, और इस तरह से कुछ ये सेटअप हो जाता है इस वाली ऐप से। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से हो जाते हैं बड्स इसके। अब यहाँ पे ऊपर सेटिंग्स की एक ऑप्शन दिया गया, वहाँ पे आप अपडेट भी चेक कर सकते हैं दोस्तों, इसके अपडेट आए तो यहाँ से आप फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ये ऐप है।
गाइज आपने अनबॉक्सिंग तो इनकी देख ही ली है, सो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने इनकी साउंड क्वालिटी वगैरह अच्छे चेक करी है, सब कुछ बताऊंगा आपको, कॉलिंग क्वालिटी वगैरह कैसी है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देखते रहिए। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं साउंड क्वालिटी की। तो यहाँ पे साउंड क्वालिटी मैं अगर कहूँ दोस्तों सीधे सीधे, तो यहाँ पे बढ़िया साउंड क्वालिटी मिलती है आपको। 10 mm का ड्राइवर दिया गया है और यहाँ पे आपको R2 चिप भी मिल जाती है रियलमी की जो इसमें लगी हुई है, तो वो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे चीज़ें मेंटेन कर लेती है। अब आपको एप्लीकेशन में इनकी 3 मोड मिल जाते हैं, बेस बूस्ट प्लस डायनामिक और ब्राइट करके। तो यहाँ पे दोस्तों इन तीनों ही में मैंने यूज करके देखा, तीनों में आपको डिफरेंस क्या मिलता है। ब्राइट वाले में आपका जो फोकस ज़्यादा रहता है गाने वगैरह सुनते हैं या फिर सब चीज़ें, तो उसमें आपका फोकस रहता है, उनका वोकल्स वगैरह क्लियर आए ज़्यादा और ज़्यादा ज़्यादा, मतलब आपको जो वोकल्स है या फिर लिरिक्स है वो ज़्यादा अच्छे सुनाई दे। बेस बूस्ट में क्या होता है दोस्तों, बेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते हैं ये, और मतलब वोकल्स तो फिर भी अच्छे लगते हैं सुनने में क्योंकि बेस डिसेंट है इसमें, ज़्यादा बेस नहीं है इसमें, तो बेस नॉर्मल है दोस्तों। मतलब अगर आप बेस बूस्ट प्लस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके सुनते हैं गाने, तो उसमें भी आपको डिसेंट बेस देखने को मिलता है, ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन गाने सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों, और वीडियोज़ वगैरह देखते हैं तो काफ़ी बढ़िया लगती है। और यहाँ पे एक जो मीडियम वाला ऑप्शन दिया गया डायनामिक, उसमें दोनों ही चीज़ों को मेंटेन करके रखता है, वोकल्स को भी और जो बेस है उसको भी थोड़ा सा डिसेंट रखता है। तो आपके ऊपर है, आपको ज़्यादा बेस चाहिए तो ये वाले मत लेना, लेकिन अगर आपको बेस डिसेंट चाहिए और अच्छी क्वालिटी चाहिए साउंड क्वालिटी ओवरऑल, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे मुझे ये वाले बड्स। और यहाँ पे दोस्तों मतलब अच्छे ओवरऑल, अगर आप नॉर्मल वीडियोस देख रहे हैं जैसे ये वाली वीडियो देख रहे हैं या फिर नॉर्मल किसी यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ पे आप इसको ब्राइट मोड पे रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ब्राइट या डायनामिक मोड पे। और अगर आपको गाने वगैरह सुनने हैं, बेस वगैरह थोड़ी अच्छी सुनाई देनी है, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं इसे बेस्ट बूस्ट प्लस वाले ऑप्शन पे। सो गाइज इस तरह की कुछ मेरे को साउंड क्वालिटी लगी उसकी, और ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा 2500 के हिसाब से काफ़ी सही साउंड क्वालिटी है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा बढ़िया मुझे एक्सपीरियंस लगा इसके मामले में। दोस्तों बात कर लेते हैं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की, और इस चीज़ में मेरे को हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे नाम की एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन दी गई है। अब दोस्तों मैंने इसको ट्राई करा है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक डेडिकेटेड आपको बढ़िया चीज़ मिलती है इसमें, एक अलग से सिस्टम दिया जाता है जिससे कि आपके जो सराउंड साउंड है वो नॉइस कैंसिल हो जाएगी एकदम, और आपको मतलब जो आप चीज़ सुन रहे हैं या फिर कर रहे हैं फ़ोन में गाने वगैरह सुन रहे हैं, जो भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो उसमें आपकी डिस्टर्बेंस ना हो सराउंड साउंड की वजह से। लेकिन इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे 3 मोड दिए गए, ट्रांसपेरेंसी मोड, नॉर्मल मोड और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मोड, तो तीनों ही मोड में मैं इसको स्विच करके देखा। अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाले मोड में जाते हैं, बिल्कुल हल्का सा आपको लगेगा नॉइस कम हो गया, लेकिन आपको सुनाई देता है बाहर का जो चल रहा है आसपास। मैंने ट्राई करा इसे 2-3 बार स्विच करके कि क्या पता कुछ बग हो गया हो या फिर कुछ ग्लिच हो गया हो, लेकिन नहीं, मैंने इसको बार बार में डब्बी में बंद करके खोल के देखा, लगा के देखे, तो लेकिन वही हाल है इसका। तो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन इसमें दोस्तों नाम की है, कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी मुझे ये चीज़। और यहाँ पे दोस्तों आपको ANC या फिर ट्रांसपेरेंसी मोड जो होता है जिसमें आप बाहर की आवाज़ सुन सकते हैं, तो ऑलमोस्ट आपको बराबर सही लगने वाले हैं, जो जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो मतलब ANC तो यहाँ पे नाम का ही लग रहा है मुझे, और हाँ मज़ा नहीं आया यार, और मतलब इनको देना चाहिए था अच्छा एक्सपीरियंस, लेकिन हाँ 2500 के हिसाब से इन्होंने सोचा नाम चेप दे दिए ANC का, हल्का फुल्का कुछ करा होगा इन्हें ANC के लिए इस वाले ईयरफोन्स में, लेकिन मुझे नहीं लगता इन्होंने जो बढ़िया वाला ANC जो इनके बड्स प्रो में है वो वाला लगाया है इसमें, तो हाँ ये वाली चीज़ मेरे को पसंद नहीं आई यार दोस्तों, और मतलब मार्केटिंग वाला काम लग रहा है। या तो अगर ये फिक्स हो सकता है ये इशू अपडेट के थ्रू तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो सकता तो फिर कोई मज़े वाली बात नहीं है, ANC के नाम पर ये मत लेना आप। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी कॉलिंग एंड माइक क्वालिटी की। तो यहाँ पे कॉलिंग क्वालिटी में मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी, माइक क्वालिटी भी काफ़ी सही है, थोड़ी सी आपको मतलब जैसे ईयरफोन्स थोड़े अंदर घुस जाते हैं तो आपको थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा, थोड़ा तेज़ सुनने के लिए सामने वाले बंदे को, लेकिन अगर आप नॉर्मल भी बात कर रहे हैं बिना किसी शोर वाले इन्वायरमेंट में, तो यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से ये काम कर लेगा, तो वहाँ पे भी आपको डेफिनेटली से कोई दिक्कत नहीं आने वाली कॉलिंग में भी। और मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी सही चल रहा है कॉलिंग के मामले में, मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया इसे, तो हाँ काफ़ी सही तरीके से कॉलिंग आप कर सकते हैं इसमें भी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं गेमिंग मोड के बारे में इसमें, और यहाँ पे आपको 88 मिलीसेकंड की यहाँ पे बताया गया सुपर लो लेटेंसी दी गई है, तो यहाँ पे करीब करीब 1 सेकंड के आसपास का बोला गया है, मतलब 88 मिलीसेकंड हो गए, तो यहाँ पे करीब करीब 1 सेकंड की लेटेंसी मिली गई है इसमें। और मैंने जितना ट्राई करा है इसे पबजी वगैरह खेली है मैंने, जैसे पबजी में तो मेनली काफ़ी अच्छे से चाहिए होते हैं क्योंकि लेटेंसी उसमें अगर थोड़ी सी भी डिले हुई तो आपको आपके
स्टैट्स पे खतरा है, लेकिन यहाँ मैंने जितना यूज़ करा इसे तो यहाँ पे हल्का सा डिले आपको मिलता है, मैंने यूज़ करा तो डिले मिलता है आपको ज़रूर से। तो यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ, मैंने जैसे बैठा हुआ था तो बंदा सीडियो में चढ़ चुका था और मेरे को बंदे ही साउंड आई बाद में कि मुझे लगा कि घर में घुसा है अभी तो, लेकिन वो सीडियो में चढ़ चुका था। तो ये चीज़ यहाँ पे हुई। तो यहाँ पे हाँ थोड़ा सा आपको डिले मिलता है, तो नॉर्मल गेमिंग अगर आप करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल गेमिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप डेफिनेटली से मत यूज़ करिएगा इसको गेमिंग के लिए। तो फिटिंग की बात कर लेते हैं, फिटिंग कैसी है इनकी ईयर्स में। तो फिटिंग काफ़ी ज़्यादा सही है, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, आप देख सकते हैं बहुत सही तरीके से यहाँ पे मैं यूज़ कर पा रहा था इन्हें और बहुत बढ़िया तरीके से मुझे, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगी और ठीक है काफ़ी, मतलब ईयर्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा क्योंकि इसका जो बड साइज़ है वो थोड़ा सा आपको बड़ा मिलेगा तो वो ईयर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका जो ईयर्स है वो छोटे हैं तो आपका शायद बाहर निकल सकता है ईयरफोन्स, लेकिन हाँ मेरे में थोड़ा सा सही फिट हो रहे थे। थोड़ा सा जैसे टेक्सचरिक्स का स्मूथ सा है तो आपको लगेगा कि ये गिर सकते हैं, लेकिन गिरेंगे नहीं है दोस्तों। तो ठीक है काफ़ी, मतलब सही फिटिंग भी आपको मिल जाती है इसमें भी। अब दोस्तों ओवरऑल बात कर लेते हैं कि 2500 रुपये के अंदर आपको ये लेने चाहिए या नहीं और किस वजह से लेने चाहिए या फिर किस वजह से नहीं लेने चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी चीज़ें बढ़िया है इसमें, काफ़ी मतलब साउंड क्वालिटी अच्छी है बहुत और इसमें मोड्स वगैरह आप सेटअप कर सकते हैं, टच कंट्रोल्स आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, सेटिंग्स में जाके एप्लीकेशन से पूरा आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप ANC के लिए इसको लेंगे कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है तो उसके लिए मत लीजिएगा, यहाँ पे आपको नहीं मिलती है जो लेवल की एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन होती है वो यहाँ पे नहीं मिलती है दोस्तों। मैंने इसको खुद यूज़ करा है और यहाँ पे आपको खुद ही पता चल जाएगा, अगर आपने बाय कर लिए या फिर बाय करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों मैं कह रहा हूँ इसमें ANC नहीं है बढ़िया, आपको पता चल जाएगा दोस्तों। लेकिन हाँ मेरा जो एक्सपीरियंस है तो आप ANC के लिए तो इसे मत लीजिएगा, इससे बेटर है आप 3200 या 3300 रुपये के जो इनके बड्स एयर 2 आते हैं वो वाले ले लीजिए, उनकी जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सही है, मेरे दोस्त वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उनकी ज़्यादा बढ़िया लगेगी आपको। और यहाँ पे दोस्तों बाकी फिटिंग वगैरह आपको बता दिया कैसी है और यहाँ पे जो बेस वगैरह है वो डिसेंट है, ज़्यादा आपको लाउड नहीं मिलता है, तो ये सब चीज़ें कुछ इस तरह से मिल जाती है दोस्तों आपको। कॉलिंग क्वालिटी वगैरह बढ़िया है। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा अगर आप साउंड के हिसाब से देखना चाहे और डिज़ाइन वगैरह देखना चाहे, अगर आपको ऐसे डिज़ाइन पसंद है, बाकी केस क्वालिटी वगैरह काफ़ी सही दी गई है इसमें और ये पूरा पॉलीकार्बोनेट का है दोस्तों, रबर मटेरियल नहीं है, ये प्लास्टिक मटेरियल ही है पूरा। टाइप सी चार्जिंग है और फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है ये, 10 मिनट की चार्जिंग में उन्होंने कहा है, दो या तीन घंटे का बैकअप आपको मिल जाएगा प्लेबैक। और यहाँ पे बैटरी बैकअप की बात कर ले अगर दोस्तों तो यहाँ पे आपको मिल, जो कंपनी ने बताया एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ अगर आप यूज़ करते हैं इसको पूरे टाइम फुल चार्ज होने के बाद केस के साथ, तो 20 आवर्स का टोटल प्लेबैक बताया गया है यहाँ पे फुल चार्ज के बाद पूरे केस के साथ। और अगर आप बिना एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के करते हैं यूज़ तो वहाँ पे बताया गया 28 आवर्स के पास। और यहाँ पे सिंगल चार्ज पर जो ईयरबड्स है वो बताया गया 3 घंटे का आपको बैकअप दे सकते हैं। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा बैटरी बैकअप आपको इसमें मिल जाएगा, अगर आप बिना एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के यूज़ करते हैं तो आपको 25 घंटे का बैकअप आराम से मिल सकता है, 24 या 25 घंटे का, तो मतलब एक दिन का आप लगा सकते हैं इस हिसाब की, एक दिन का आपको बैटरी बैकअप इसमें मिल सकता है क्योंकि बैटरी यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी दी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है दोस्तों एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अगर आप ऑन करके करते हैं, वैसे तो उसका कुछ फ़ायदा है नहीं ऑन करने हैं, लेकिन अगर आप ऑन करके करते हैं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा कि कंपनी ने 20 घंटे बताया एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ, तो वहाँ पे आपको 17 से 18 घंटे मिल सकते हैं अगर आप उस फीचर को ऑन करके यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता चल जाएगा डेफिनेटली से कि उसका कोई काम नहीं है इस वाले ईयरफोन्स में। इसको फिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है, रियलमी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली से इसको जल्दी से जल्दी फिक्स करिए अपडेट के थ्रू, क्योंकि ये इशू अगर इसमें है तो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के नाम पे बेचना है इसको क्या ही मतलब है मतलब। तो इस तरह से कुछ है, अगर आपको लेने हैं तो काफ़ी बढ़िया है साउंड क्वालिटी, और नॉर्मल यूज़ के लिए आपको चाहिए तो बढ़िया है, गेमिंग के लिए ज़्यादा एक्सट्रीम गेमिंग करेंगे तो नहीं, और यहाँ पे आपको नॉर्मल यूज़ के लिए काफ़ी बढ़िया रहेंगे 2500 रुपये के अंदर। और जो इनका डिज़ाइन है अगर आपको पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली से आपको ये चीज़ बढ़िया लगेगा, टच कंट्रोल काफ़ी रिस्पॉन्सिव है वो मेरे को बढ़िया लगेगा यहाँ पे। तो दोस्तों बस यही था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो जल्दी ही, टिल देन बाय बाय।